ये कुमकुम पार्श्वनाथ जो कि जालौर में स्थित है, यहाँ 2400 भगवान की प्रतिमा है जो उनके वर्ण के हिसाब से पत्थर की बनी हुई है। ये जो प्रतिमा है भगवान पार्श्वनाथ की, इसकी कॉस्टिंग करीब 70 लाख रुपए है और प्रत्येक प्रतिमा अपने वर्ण के हिसाब से यहाँ पे है। जैसे कि यह जानकारी मैंने भाई साहब से ली है, भाई साहब बता रहे हैं कि सारी प्रतिमा जितनी भी हैं सब वर्ण के हिसाब से लगी हुई हैं। थोड़ा बताएंगे मंदिर के बारे में? जी थोड़ा ये मंदिर श्रीमान ताराचंद जी मंगलाल जी बड़ेर मुखा ने बनवाया है। इनकी सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि स्थानकवासी परिवार से होते हुए भी इनकी भावना इतनी अच्छी जागृत हुई कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और इसमें मूल में भगवान पार्श्वनाथ है और बाहर एक प्रतिमा भावी स्वामी भगवान की है, एक श्रीमंदर स्वामी, ये भावी स्वामी की है, श्रीमंदर स्वामी। इसके बाद ये तो माता जी, ये कुलदेवी है, अम्मा माता की प्रतिमा है। और उधर इस तरफ पधारिया, ये प्रतिमा गौतम स्वामी की है। लेकिन ये प्रतिमा, इसका जो बैठने की मुद्रा है इसमें पांव छोड़े ज्यादा है, पांव की नजर छोड़े हैं। भगवान महावीर की जो गाय का दूध निकालने की जो मुद्रा होती है, जो भगवान को जिसमें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऊपर ऊपर ये प्रतिमा जिसमें भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो केवल ज्ञान मूर्ति जटा वाली अन्नाथ की जटा वाली मूर्ति है, ये जटा वाले, जटा वाले ये अन्नाथ भगवान की प्रतिमा जो है ये जटा के रूप में, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान ने जो दीक्षा ली थी तब वो भगवान पंच मुष्टि रोज नहीं करवाए, चार मुष्टि रोज कर पाए थे और बाल के लिए इंद्र भगवान ने मना कर दिया कि आपके बाल बहुत सुंदर है इसलिए इसका लोज मत करो, इसलिए ये जटा जटा के रूप में जटाधारी प्रतिमा है। और इसके बाद में यहाँ से अन्नाथ भगवान से लेके और बढ़ते क्रम में 24 प्रतिमा है और सारी की सारी प्रतिमाएं इनके वर्ण के हिसाब से है, जिसमें कुछ श्याम वर्ण है, नील वर्ण है, काली है, पूरा वर्ण है, सफेद है, तो वो जो जितने 24 प्रधान के वर्ण है उन वर्ण के हिसाब से प्रतिमा बनी हुई। और सभी की सभी प्रतिमाएं सेमी प्रेसिडेंट स्टोन की है, कोई भी मार्बल के लिए रथों की सभी प्रतिमाओं की अंदाजन